पीछे जा रहा खुद ब खुद। क्या ही बताओ भैया, अरुणाचल हमारा नोटिस इतना प्यारा है, क्या आपका पैसा आपको खुश कर देगा। ठीक है, मेरा बेबी का हाथ टूट गया गाइस, फटाफट से ऑपरेशन करना पड़ेगा। वहाँ पे आप लोगों को 750 से लेके 1200 से लेके आपको 1800 तक रूम मिल जाएगा। ठीक है, सो है गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम रोइंग। और हम लोग निकल रहे हैं अभी मायोदिया। ठीक है, मतलब राइड है ना बहुत ही एक्सट्रीम होने वाला है, क्योंकि बर्फी इलाका में हम लोग बाइक लेके जाने वाला है। सो गाइज, आप लोग बने रहो। और अभी फिलहाल 6 बज रहा है, ठीक है, चाय पीने के लिए रुका हुआ है यहाँ पे, और यात्रा वहाँ पे बैठा हुआ है। सो गाइज, चॉकलेट के बाद है ना चाय का साथ शुरुआत कर रहा है, ठंड बहुत ज़्यादा है ना, सो चाय पीना पड़ेगा नहीं तो पूरा बदन सूम सा जाएगा। ठीक है, मस्त है। ये भैया से पूछ लेगा पेट्रोल पंप कहाँ पे। ठीक है भैया, ये पेट्रोल पंप कहाँ है ना? पेट्रोल पंप आप जाते रहो, बैंकर का सामने मिलेगा आगे ना। थैंक यू। सो गाइस, बाइक को फ्यूल अप करने आया था पेट्रोल पंप, बट पेट्रोल पंप बंद है। ठीक है, तो आई डोंट नो क्या होगा अभी। आगे वाला भी बंद है और ये वाला भी बंद है। और गाइस, वो वाला देख रहा है हम लोग का बैकग्राउंड में एक गेट, वो है वेलकम गेट, वो पार होने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा ठंड है और ये ग्लोब भी ज़्यादा काम नहीं कर रहा। ठीक है, इतना ही ज़्यादा ठंड लग रहा है, हमको क्या ही बताऊँ गाइस। सो मायोदिया जा रहा है भाई, मायोदिया KB05 एंड यात्रा, आई एम गोइंग टू मायोदिया ब्रो। बढ़िया वाला ब्लॉग आ रहा है, स्नोफॉल में नाचेंगे। सो कड़ाओ, कैसे हो आप सब? आप सबको फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में, द KB05 ब्लॉगर। गाइस, इट्स आवर गुड लक कि एक भैया आ गया, पेट्रोल भर जाएगा अभी। ठीक है, फ्यूल अप हो जाएगा। सो बहुत ही अच्छा लग रहा है, कि नहीं तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाना था। सो गाइस, देख सकते हैं हमारा फ्यूल अप हो रहा है। ठीक है, 500 का डाल रहा है। सो उधर से रिटर्न आते समय फिर थोड़ा सा भरा लेंगे। 500 का पेट्रोल फ्यूल अप कर लिया, अब यहाँ से डायरेक्ट मार दिया नॉन स्टॉप। ठीक है, ए बूढ़ी मामा जी निकेरी साली मुड़ी, तरमाया तिमला घर चुनी के बूढ़ी, टोप तानी आकाशमा उड़ी उड़ी ए बूढ़ी। तो गाइस, अगर आप लोग रोइंग आता है और आप लोग को एक होटल चाहिए, वो भी कम बजट में या तो हाई बजट में भी, आप लोग को रोइंग में मीनू होटल बोल के है, वहाँ पे आप लोग को 750 से लेके 1200 से लेके आपको 1800 तक रूम मिल जाएगा। ठीक है, सो मेरे को लगता है कि वन डे स्टे करने के लिए 750 में एक अच्छा खासा, मतलब अरुणाचल में एक अच्छा खासा आप लोग को रूम मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग जो कल रूम में बैठा था बहुत ही बढ़िया था, मतलब बैठ सकता था वहाँ पे। ठीक है, सो आप लोग आ जाना और रोइंग में मीनू होटल में आप लोग बैठ जाना। गाइस यार, थोड़ी देर बाद हम लोग वो देख सकते हैं माउंटेन, आगे का जो माउंटेन्स है, पर्वत है, उसका ऊपर ऊपर होके हम लोग मायोदिया जाएगा। ठीक है, प्लेन रास्ता खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चुई 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 वाला रास्ता मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गाइस, मायोदिया 54 किलोमीटर। ओ भाई साहब, जन्नत में, क्या ही मस्त लोकेशन है भाई, देख सकते हैं इस साइड का और इस साइड देख सकते हैं गाइस, क्या ही सुंदर नजारा है भाई, चुम्बेश्वरी चुम्बेश्वरी भाई। और गाइस एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग है ना आमने सामने से लाइक आसाम से है आप लोग है ना, तो बहुत लोग सोचता है कि मनाली जाना है, बहुत दूर दूर तक जाना है ना, मतलब बर्फ बर्फ को महसूस करने के लिए। बट आई थिंक गाइस, हम लोग का नॉर्थ ईस्ट में भी ऐसा ऐसा मतलब जगह है जहाँ पे आप लोग एक मनाली का फील, लद्दाख का फील आप लोग ले सकता है, लाइक मायोदिया हो गया ना। सो एक ही चीज़ बोलना चाहता है गाइस, आओ मायोदिया घूमो, बर्फ का एंजॉय करो। गाइस मायोदिया का रोड कंडीशन के बारे में बात करेंगे ना भाई, बहुत ही मस्त मक्खन की तरह देख सकता है, क्या ही सुंदर सा रोड है भाई। मतलब ये है ना कि मतलब एक टूरिस्ट प्लेस मायोदिया, बर्फी इलाका जो हर कोई स्नोफॉल को महसूस करने जाता है ना, तो इस टाइप का अगर रोड मिल जाएगा ना भाई, आने का मजा ही कुछ अलग होता है ना। तो ये टर्न देखो भाई, बाप रे बाप, वाह, वो आगे से देखो, फिर इस साइड जाना भयंकर, ए भाई पूरा मतलब मजा आ रहा है भाई, मतलब लगता है ना कि भाई हाँ चला रहा। आगे फिर एक ब्रिज है भाई, देख सकते हैं क्या ही सुंदर सा नजारा भाई। मतलब कल जो आ रहा था ना हम लोग, कुछ नहीं लग रहा था, लेकिन आज देखो भाई, आज मतलब इतना ही खुश लग रहा है ना सुबह सुबह। माय गॉड, व्हाट इज दिस मैन, वाओ, कितना ही मस्त जगह है भाई, मस्त। मायोदिया आओगे ना तो आपका पूरा का पूरा पैसा वसूल हो जाएगा। ठीक है, आपको ये नहीं लगेगा कि ऐसा जगह गया और पैसा बर्बाद करके आया, आपका पैसा आपको खुश कर देगा। ठीक है, सो हबीबी कम टू मायोदिया। ठीक है, और गाइस क्या है नॉर्थ ईस्ट, गाइस ये है नॉर्थ ईस्ट, वाह ये है नॉर्थ ईस्ट है ना, हमारा नॉर्थ ईस्ट भी
किसी से कम नहीं ब्रो। और गाइस मेरा जितना व्यूअर्स है सबको एक ही चीज बताना चाहता है ना कि देखो यार जिंदगी में हम लोग पैसा तो बहुत कमा लेता है, क्योंकि जब ये दुनिया में आ जाते हैं ना तो भाई पैसा कमाने का काम होता है हम लोग का, ठीक है। लेकिन हम लोग अपना ड्रीम, अपना सपना जो होता है कि इतना जगह घूमेगा, हम खुद को भी एक टाइम देगा, है ना भाई। खुद को टाइम देना सबसे बड़ा चीज़ है, ठीक है। खुद को टाइम दो, पैसा तो हम लोग जिंदगी भर कमाएगा भाई, मरते दम तक हम लोग को पैसा का जरूरत होता है। लेकिन आप अगर वो पैसा को थोड़ा सा अपना ट्रेवलिंग में भी अगर खर्चा करेगा ना यार, तो आप जिंदगी में ये बोल सकेंगे कि भाई मैंने कमाया और मैंने घूमा भी और सबको देखा, फैमिली भी देखा, सबको देखा। तो गाइस ट्रेवलिंग करो, जगह को एक्सप्लोर करो, क्योंकि ऊपर वाले ने हम लोग को एक ही जिंदगी दिया और ये जिंदगी को भी हम लोग बस मेहनत करके खत्म कर देगा तो क्या ही हम लोग का जिंदगी होगा भाई। घूमना है यार, घूमने से आपको बहुत सारा चीज जानने का मौका मिलता है, कसम बोल रहा है गाइस। क्योंकि जब आप ट्रेवलिंग करोगे ना, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता है, लोगों से इंटरेक्ट कर पाता है आप, लोगों से बातचीत कर पाता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है ना। तो गाइस ट्रैवलिंग करो, टूर करो, घूमो, अपना जिंदगी को जियो, ठीक है। और हाँ गाइस यार, ये बसंती को ना कसम बोलता थैंक यू सो मच कहना चाहता, क्योंकि ये बसंती ना, लव यू बसंती यार, लव यू। क्योंकि ये बसंती जो है ना भाई, ये कोई किसी भी जगह को ये सोचता नहीं, डायरेक्ट चढ़ जाता है। अभी देखो इतना चढ़ाई होकर हम लोग आया है ना, सब चढ़ाई है, आगे भी चढ़ाई है, मतलब आते समय हम लोग का पेट्रोल बचेगा, ठीक है। तो ये बाइक जो है ना भाई, क्या ही बताऊँ यार, कल से इतना अच्छा रिजल्ट दे रहा सर्विसिंग करने के बाद। बसंती मतलब भाई मेरा बसंती है यार, आई लव यू बसंती, माय बसंती। थैंक्स टू अरुणाचल गवर्नमेंट, है ना, गवर्नमेंट को थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। मतलब एक टूरिस्ट प्लेस जो कि है मायोदिया, वहाँ जाने के लिए इतना मस्त, मतलब पाचेस है ना, रोड इतना सुंदर है ना, क्या ही बताऊँ। तो बहुत ही मस्त मक्खन की तरह हम लोग जा रहा है, ठीक है। ब्रेक नहीं लग रहा था भाई। ओ भाई 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 भाई, ये चेक करो गाइस, अभी फिलहाल थोड़ा पहले तक हम लोग एक हाईवे में था, बट अब सिंगल रोड आ गया जो कि बहुत ही ज्यादा नेरे, आप लोग देख सकते हैं ये रोड में, देखो भाई कितना ही छोटा रोड है, मतलब सिंगल एक कार आएगा तो हम लोग को साइड देने के लिए मुश्किल होगा, ठीक है। तो बी केयरफुल गाइस, जब भी आ रहे हो तो यार अपना आपको मेंटेन करके आना और अपना बाइक को भी मेंटेन करके आना, ठीक है। पूरा मसला पैकेट है, ठीक है, मतलब मीट मसला का पैकेट है मायोदिया। आपको बर्फ भी मिलेगा, ऐसा छोटा नेरो रोड भी मिलेगा और हाईवे भी मिलेगा, मतलब सब चीज का आप मजा ले सकता है, ठीक है। देख सकता है गाइस कितना ही छोटा, थोड़ा भी इधर उधर करेगा डायरेक्ट नीचे, तो ध्यान से चलाना, ठीक है गाइस। गाइस देख सकता है ऐसा नेरो रोड में ट्रक कैसे चल रहा है, भयंकर, बाप रे बाप, वाह, इतना छोटा रोड है ना भाई, क्या ही बताऊं। तो गाइस यार अब यहाँ पे राइडर मतलब बाइक यात्रम चलाएगा, ठीक है। देख सकते हैं यात्रम पूरा रेडी है, ग्लोव व्लोव लगा के अभी मोटो ब्लॉगिंग सेटअप में आ रहा है। तो गाइस यार अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस बोलेगा यहाँ तक आने का बहुत ही एक्सट्रीम था। नेरो रोड भी मिला, हाईवे भी मिला, हाईवे का भी मजा लिया, नेरो रोड का भी मजा लिया। खेलेगा बर्फ में, खेलेगा, सोएगा, नाचेगा, गाएगा, और क्या है ना। हम तोड़ गए जब तुम झुके, तब से तुम नजर में आ रुके। तो गाइस यार पूरा का पूरा हाथ जो है ना भाई, मतलब जम चुका है और हालत पूरा खराब, हेलमेट खुलने का मन नहीं है गाइस, इतना ही ज्यादा ठंडा लग रहा है ना। सो गाइस थोड़ा सा दौड़ना पड़ रहा है यार, इतना ही ज्यादा ठंडा है ना, पूरा हाथ उत काम नहीं कर रहा है। तो थोड़ा खुद को गर्म करेगा दौड़ के, ठीक है। थोड़ा चढ़ाई है तो यहाँ पे 100 मीटर भी अगर दौड़ेगा ना तो बदन में गर्माहट आ जाएगा। अगर आप लोग का भी अगर ऐसा बर्फीले इलाका में आते समय है ना कि आपका बदन काम नहीं कर रहा, ठंड ज्यादा हो रहा ना, तो थोड़ा सा रनिंग कर लेना, ठीक है। भाई शिव जी का मंदिर है ना, तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, अच्छा से पहुंचा दीजिए यार भगवान, माय डियर। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे अभी से बर्फ शुरू हो गया, ठीक है। ये जितना भी सारा है बर्फ है और ऊपर से देख सकता है थोड़ा 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 गिर रहा है, और देख सकता है गाइस, और यहाँ पे अभी अभी स्किड होने वाला था, मतलब स्किड हो ही चुका था, यात्रा में गिरा देने वाला था भाई। गिरने से ना भयंकर बहुत सारा चोट लगना था यार ठंड में, ठीक है। क्या करे बोलो, उपाय है क्या, ब्लैक आइस का वजह से यार बारिश बारिश हो रहा है ना, तो भाई क्या ही बताओ आप लोग को, इतनी खुशी मचा रहा गाइस, और हमारा बसंती हम लोग को बहुत ही ज्यादा साथ दे रहा है। सो गाइस बने रहो, बर्फ में जाके नाचना है, ओह माँ बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। ओ भाई ये देख सकते हैं गाइस, दो दो बुलेट और हमारा साथ तो स्प्लेंडर है। और गाइस अब देखो मेरा ही आवाज हमको रिटर्न आएगा, ठीक है। सो चिल्लाऊंगा 1 2 3 आई लव, देखा है गाइस, मायोदिया, वाओ।
बैक आता गाइस आवाज, एक बार यहाँ पे आया था, अपना एक नाम चिल्लाता है ना, द केवी 05 ब्लॉगर, वाओ, इन माय ओडिया। सो गाइस यहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोग ने एंजॉय किया। सो मेन जो बर्फ है ना तो वो आगे में है। सो ए भाई तो गाइस यार बहुत ही ज्यादा रिक्स है ना, वो जो व्हाइट आइस है ना वो ब्लैक आइस में कॉन्वर्ट हो रहा है, तो बहुत ही ज्यादा स्किड होने का डर होता है चक्का, ठीक है। तो हमारे को बस 10-20 के स्पीड में यहाँ से जाना पड़ेगा। और आगे का सीन देखो गाइस क्या, ओ भाई आराम से बहुत ही ज्यादा आराम से चलाना गाइस, ट्रक आ रहा है तो फटाफट से आप लोग साइड दे देना, ठीक है। ओ बहुत ही ज्यादा रिक्स होता गाइस, ये देख सकते ट्रक इतना रिक्स होता ना भाई, ये सब जगह में ट्रक चलाना भाई, ओ भाई हम तो राही है भाई, घूमते हैं फिरते हैं जिंदगी को जीते हैं, है ना, मंजिल तो राही ढूंढ लेते हैं, रास्ते मगर खो जाते हैं, दिल तो पागल है दिल दीवाना है, माइडिया के लिए दिल पागल है भाई, माफ़ से भाई रोने का मन हो रहा भाई, इतना अच्छा लग रहा है ना क्या ही बताऊं यार। आप माइडिया का प्लान कर रहे हैं ना आने का, प्लीज यार इसमें हम्बल रिक्वेस्ट, ये ग्लव जो है ना अच्छा वाला, मतलब अच्छा दाम वाला, थोड़ा वाटर प्रूफ वाला लेके आना, ठीक है। ये वाला जो ग्लव है ना हम लोग का, इतना हाथ दर्द हो रहा ना भाई, कसम बोलता है यार, जैसे तैसे हम लोग एक जोश का साथ सिर्फ जा रहा है भाई, देखो ऐसा नहीं कर पा रहा है एंकर। तो हमारा यहाँ पे बाइकर भैया लोग है ना, पूरा अपना बाइक यहाँ पे लगा के थोड़ा हम लोग आगे तक जाता है, तो भाई देख सकता है यार क्या ही मस्त सीन लग रहा भाई, खूब भालो खूब भालो मिस्टर मोटन भालो। हम थोड़ा पहले जब हाईवे में था तो हम एक चीज बोल रहा था, हबीबी काम तू मायोडिया है ना, सच्ची में गाइस आप लोग जरूर मायोडिया आना, ठीक है, हबीबी काम तू मायोडिया। गाइस यहाँ पे हम लोग को बाइक रखना पड़ेगा आगे में, हम लोग का मायोडिया है, ठीक है, और आगे भाई 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 गाइस एंट्री ना एंट्री फीस। सो गाइस यहाँ पे हम लोग एंट्री फीस देना पड़ेगा, ठीक है, बट क्या ही बात करूँ यार, ये जो लोकेशन है ना भाई अभी से इतना माचो लग रहा है ना। सो यहाँ पे एंट्री फीस कितना लेगा पूछता है भाई, कितना एंट्री फीस, हाँ दीजिए दो दीजिए, आइया मजा इतना मस्त है ना, चिल्ला चिल्ला के आ रहा हम लोग, क्या ही बताऊं भैया, अरुणाचल हमारा नॉर्थ ईस्ट इतना प्यारा है, क्या ही बताऊं, आना तो पड़ता ही है, इसलिए हम लोग यहां इको क्लीन रखने के लिए विशेष प्रयास कर रहे हैं। कोई कोई नहीं भैया, लेना पड़ता है ना, क्योंकि इतना सुंदर जगह को नीट एंड क्लीन भी करना पड़ता है, हम लोग पहला बार आ रहा है, वही वही नहीं, जो लोग आते हैं वो लोग को खुद जानना है ना कि एक इतना सुंदर सा जगह को गंदा करके नहीं जाना है। अच्छा लगा बहुत सुन के, एकदम थैंक यू सो मच भैया, ठंड बहुत ज्यादा, आप तो थोड़ा गर्म है, हम तो बहुत ही ज्यादा ठंडा हो गया, हाँ यार उफ। और गाइस देख सकते हैं यार क्या ही, गाड़ी पूरा ढक चुका है बर्फ से, ठीक है, और ऊपर से पूरा स्नोफॉल। सो गाइस यहाँ पे जो टिकट लिया जाता है ना, देख सकता है आपका इको वाइल्ड लाइफ डेवलपमेंट कमेटी मायोडिया, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग टिकट लेके जाना, क्योंकि हमारा इतना सुंदर सा मायोडिया है और इसको तो मतलब सफा करना, सुंदरता मतलब ये नेचर है, ठीक है, ये कोई बनावट नहीं है, नेचुरल जगह है, तो इसको सुंदर रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। सो आगे का सीन देखो भाई, बहुत लोग आ रहा है अभी, और गाइस यहाँ का जो भैया लोग से मिला ना इतना पोलाइट इतना हम्बल है ना भाई, इतना अच्छा लगा बात करके। सो गाइस यार आप लोग भी आओ, यहाँ का भैया लोग आप लोगों को बहुत ही वार्म वेलकम करेगा, और देख सकते हैं गाइस ब्लैक आइस इतना ज्यादा है, ओ भाई भाई हम लोग को मनाली जाने की जरूरत नहीं भाई, हमारा नॉर्थ ईस्ट में मनाली है, तो इतना हाई बजट पैसा खर्चा करके क्यों जाना भाई, ब्लैक आइस का वजह से इतना ज्यादा डर लग रहा है ना, बाइक भगा नहीं पा रहा है, और यार गाइस आप लोग भी भगाना मत, क्योंकि ये जो ब्लैक आइस होता है ना ये बहुत ही ज्यादा रिस्क होता है, आप लोगों को धीरे 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 जाना पड़ता है, स्लिप हो जाता है, स्पीड होता है बहुत ज्यादा, बाइक आराम से जाएगा ना भाई, दबा दबा के नहीं जाएगा, डर लगता है हमको। हर किसी का बाइक देख रहा है, किसी का बुलेट है,
किसी का हिमालयन है ना, हम लोग एक है जो सारा स्प्लेंडर लेके आए भाई। गाड़ी लेके आए, ओए ओए पीछे जा रहा खुद ब खुद। दबाओ दबाओ, क्लच मत पकड़ो, एक्सीलरेट करो एक्सीलरेट करो। रुको रुको, ये गाड़ी को जाने दो। चलो चलो, चलो। भाई बर्फ इतना खतरनाक है ना, खुद ब खुद पीछे जा ना भाई। ठीक है चलो, आप भी चलते हो भाई, पूरा का पूरा स्कीड हो रहा है। तू उतर जाओ भाई। तो भाई पूरा बाइक स्कीड हो रहा है, ठीक है, बर्फ में, और आगे से भैया ठेल। ओ भाई यूके जब दाचुम बोलने वाले जगह जब गया था ना, यूके 07 राइडर, तब उनका बाइक भी ऐसा स्कीड हो रहा था। ओ भैया भाई ठेल के आना पड़ेगा क्योंकि पूरा स्लीप होगा। ओ भाई गाइस, लद्दाख मनाली सिक्किम लाचुमला भाई, पूरा भाई पूरा मजा आ रहा है। गाइस देख सकते आप लोग, हम लोग वेलकम टू मायोध्या पास। सो वैंकर यार हम लोग पहुंच चुका है वेलकम टू मायोध्या पास, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा, ओह यार इतना स्लीप है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अल्टीट्यूड आपका 2655 मीटर, और कितना फुट ऊपर है दके 05 लोगर, आप लोग देख सकता है गाइस 8711 फीट ऊपर भयंकर। और जितना सारा राइडर सब आया है ना, यहाँ पे स्टिकर अपना अपना लगा के गया, और हम लोग तो भाई फ्रेशर राइडर है, तो हम लोग के साथ इतना कुछ है नहीं। सो ये देख सकता है गाइस, वेलकम टू मायोध्या पास, और KB05 ब्लॉगर फाइनली भाई मायोध्या पास पहुंच चुका है। और गाइस मायोध्या में इतना ज्यादा बर्फ गिर रहा है ना, तो देख सकता है यहाँ पे ये गाड़ी पूरा बर्फ को सफा कर रही है, इतना भारी भरकम बर्फ यहाँ पे है गाइस, पूरा का पूरा सफेद है गाइस, पूरा इलाका सफेद हो गया, ठीक है, गच्ची से लेके सब कुछ। और भाई द KB05 ब्लॉगर जिंदगी में पहली बार बहुत सारा राइडर को देखा है, वेलकम टू लाचुमला पास, बहुत सारा पासेस होता है ना, तो आज हम मेरा पहला जिंदगी का पहला पास है आपका वेलकम टू मायोध्या पास है ना गाइस। मायोध्या पास का सामने ना भगवान जी का मंदिर है, देख सकता है इस तरीका का है गाइस। हम लोग जब आगे से आ रहा था यहाँ पे क्या देखने मिला गाइस, देख सकता है, लव यू कोमल, ओ भाई प्यार में पूरा लेला मजनू, और यहाँ पे लिखा है लव यू पप्पी, और गाइस यहाँ पे लिखा है लव यू सोनी, और गाइस यहाँ पे लिखा है लव यू कोमल। ओ भाई मतलब कि गाइस क्या ही बताऊँ, अगर किसी का कोई अगर लड़की देख रहा है कोमल पप्पी या तो क्या था भाई, ये गलत सीन तुम कर रहे, ठीक है, देखो यात्रा पूरा हमको बर्फ से मार रहा है गाइस। यहाँ पे थोड़ा सा स्नो में खेला, लेकिन गाइस बहुत ही ऊपर है यार, 8611 फीट ऊपर है हम लोग, सांस फूल रहा है गाइस, सर्दी ज्यादा हो रहा है, तो अब यहाँ से हम लोग निकलता, ठीक है गाइस। यहाँ पे देख सकता मैंने क्या बनाया गाइस, वाव क्या ही सुंदर बनाया गाइस, देख सकता आप लोग, वो देख सकता गाइस नीचे कितना ज्यादा बर्फ है, सफेद सफेद सफेद, वाव हेलमेट गिर गया भाई तेरा, ये देख सकता गाइस क्या ही सुंदर लग रहा है गाइस। आप लोग देख सकता है मेरा न्यू गर्लफ्रेंड, एक किस तो बनता है कि नहीं, मेरा न्यू गर्लफ्रेंड वाह मीठा है, बहुत मीठा है, बहुत मीठा है, और एक बार हाँ लिपटे लिप दे किसी आ ले किसी आ बे, वाओ मेरा बेबी का हाथ टूट गया गाइस, फटाफट से ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा गाइस, ये देखो गाइस ऑपरेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ऑपरेशन ऑपरेशन गाइस ऑपरेशन हो रहा है। ये गाइस देख सकते हैं मैंने मेरा बेबी को बना दिया, मेरा बेबी को बना दिया, देख सकता है फिर से एक बार, बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बर्फ शुरू हो रहा है, देख सकते हो मेरा पीछे कितना ही ज्यादा कोहरा ही कोहरा छाया हुआ है, और स्नोफॉल भी भयंकर हो रहा है अभी, ठीक है, तो फटाफट से यहाँ से निकलता है।